बाढ़ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है और युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस समय मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक नजर डालते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कायम करने का कार्य किया है। हम देखते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, चाहे वो मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हो, युवाओं को आगे बढ़ाने का लगातार ये हमारी सरकार कर रही है, चाहे हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से। और मैं देखता हूँ हरियाणा के अंदर जो एजुकेशन का सिस्टम आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हम देखते हैं कि पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में जो हमारे विश्वविद्यालय थे वो 43 2014 से पहले थे, परंतु अब इन 10 वर्षों के अंदर इनकी संख्या बढ़ा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 56 विश्वविद्यालय आज हरियाणा के अंदर हुए हैं। अगर मैं देखता हूँ राजकीय महाविद्यालय हरियाणा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों बेटियों को कि वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के ऊपर उन्हें पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2014 से पहले 105 महाविद्यालय थे और उनको बढ़ा करके 182 हरियाणा के अंदर राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिससे कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा पढ़ने के लिए कॉलेज उपलब्ध हो रहा है। ये सारा का सारा जो सिस्टम बनाया है ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। और मैं देखता हूँ कि हरियाणा के अंदर हमारे राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृत विद्यालय जो पिछले 2010 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 13 थे, तो इन 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी संख्या बढ़ करके 147 हो गई है। और अगर हम देखें कि प्राइमरी राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी नहीं था, तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 1419 ये मॉडल प्राइमरी राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय खोलने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा के अंदर एजुकेशन को लेकर के, चाहे नौकरी को लेकर के जो एक काम किया है, एक युवाओं के अंदर और हमारी बेटियों के अंदर एक बड़ा विश्वास बढ़ाने का काम ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज स्वामी विवेकानंद जयंती जी के इस कार्यक्रम के अवसर के ऊपर आज यहाँ पर पधारे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और उनका धन्यवाद करता हूँ। और हम सब एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने रास्ता दिखाया उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम हमारी ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी बखूबी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज मैं जब ये देखता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब मैं गांव के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा